बाद आप ओके जी सर या ओके एंड फाइन के नाम से कर लें, और जहां आपको फील आए कि कुछ मिसिंग है, कुछ एक सेम लाइन पे नहीं हूं मैं, एंड आर एंड यू वांट टू से समथिंग, तो प्लीज लिखिएगा जिम सिंपल प्लीज सर, सो मैं स्टे करूंगा और आपसे पूछ लूंगा. ओके फाइन ओके. अच्छा जी बिस्मिल्लाह बेसिक टॉपिक जो है दैट इज डिमांड. सो डिमांड के बारे में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इकोनॉमिक्स को पढ़ चुके हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हाट इज इनफैक्ट डिमांड. डिमांड इज व्हाट यू वांट टू हैव. लेमैन से अगर पूछते हैं तो वो कहते हैं व्हाट इज डिमांड, व्हाट एवर यू वांट टू हैव, व्हाट एवर यू विश टू हैव. लेकिन इकोनॉमिक्स कहते हैं नो नो, डिमांड इज समथिंग डिफरेंट. सो फॉर एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, वो इस बात को यूं कहती है कि द थिंग यू वॉन्ट टू हैव एंड द थिंग यू कैन हैव, राइट, ये समथिंग डिफरेंट. माइट यू वॉन्ट टू हैव एन एरोप्लेन बट यू कैन नॉट अफोर्ड एरोप्लेन, सो यू वॉन्ट टू हैव एंड यू कैन हैव, ये थोड़ा फर्क है थोड़ा सा. सो देखना ये है कि द थिंग यू कैन परचेज एंड द थिंग यू कैन नॉट अफोर्ड. सो डिमांड के लिए दो कंडीशन है जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी है. टू कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी है. वन इज योर डिजायर और विल टू हैव, विल टू परचेज, डिजायर टू परचेज, विश टू परचेज, एंड सेकेंड इज द थिंग यू कैन परचेज, पावर टू परचेज. सो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है और यू वॉन्ट टू हैव दैट प्रोडक्ट एंड इवन यू कैन परचेज दैट प्रोडक्ट, सो सिंपल इज दैट दैट टाइम दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड योर डिमांड. ओके. अब कितनी क्वांटिटी कितनी प्राइस पे आप परचेज करते हो, दिस इज समथिंग डिफरेंट. एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड मीन्स हाउ मच क्वांटिटी यू वांट टू परचेज, इट डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स. इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो लिखिएगा प्लीज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. नंबर वन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. नंबर टू प्राइसेज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. नंबर थ्री इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज. Then weather conditions, then future expectations, then advertisement expenditures. Advertisement expenditures, okay. अच्छा इसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं. कैन यू सी ऑन बोर्ड, माय डियर, व्हाट आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? ओके. देन क्यूडी, इनफैक्ट द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एंड
price of y z population income expectation etc. and advertisement expenditures etc. So basically this is known as your demand function. So what is demand function ko na hum understanding ke liye two parts mein divide karte hain. This is QD is a function of price. Demand for x depends on price of x, and while and all other factors other than its own price. So this is known as what? On price and non price. You got this working? Okay. Now this portion where you can say even this portion is fact what? Quantity demand depends on its own price, while other factors constant. While other factors remain constant, right? Other factors constant ho, so this is what in fact negative or inverse. Fine. Okay, agar hum in factors ko constant assume karein, तो इन फैक्टर कॉन्स्टेंट के बाद इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. सो इनवर्स रिलेशनशिप स्टैंड फॉर व्हाट? कि जब प्राइस इंक्रीज होती है सो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी, और अगर प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांड increase hogi. So we can say this is in fact what? Existing inverse relationship between price of the commodity and the quantity demand for the commodity. Okay, right. Ab obviously isi ko hum phir kya bol dete hain, law of demand. This is fact what? Known as law of demand. यहीं से भी law of demand generate हुआ ना, कि leaving all other factor being constant, price of the commodity increases and quantity demand shrinks and vice versa. है ना idea आपको इसका थोड़ा सा? Okay.
सो ये जरा काइंडली जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है ना, इसको जरा नोट करना है बड़ा माइन्यूटली, बिकॉज यहाँ से फिर मैं मूव करना होता है फॉर योर लॉ ऑफ डिमांड और राइज एंड फॉल इन डिमांड और एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन का जो टॉपिक है जो आई कैब में अक्सर पूछ लेता है, वो यहीं से भी जनरेट हम करते हैं। तो बेटा ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको मेंशन की है इक्वेशन फॉर्म में, इसे बोलते हैं डिमांड फंक्शन। व्हाट इज इनफैक्ट डिमांड फंक्शन। ओके, फाइन। अब मैं इसका एक पार्ट रेज करूंगा, नाउ लिसन, राइट। हाँ, इसकी डेफिनेशन आपके पास होगी, ऑल द फैक्टर बीइंग कांस्टेंट एज द प्राइस ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड श्रिंक्स एज क्वांटिटी फॉल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, है ना आइडिया। आपको इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखी भी है आपके पास बुक में, वहीं से फिर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, फाइन। ये एक सिंपल से टेबल है, आपने इसमें सिंपल सिंपल से ड्रॉ करना है, पर इसमें आपने जो माइंड में रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, सो दैट शोइंग व्हाट एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड श्रिंक्स एंड वाइस वर्सा। सो आप देखो इस पोर्शन में अप टू वर्ड देखें, अपवर्ड अगर देखेंगे तो इट इज व्हाट इनफैक्ट एक्सटेंशन, और इसका रिवर्स करेंगे आप तो इसको क्या आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, क्यू उस्मान, फाइन। ओके, इसी से हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब अगर देखें y एक्सिस में हमने इसकी प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड ली, आपको आइडिया है सारे बेसिक्स हैं चुके, इसलिए मैं इस पर बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये आइडिया ऑलरेडी है। तो इसकी जो डायरेक्शन देखनी हुई थी आप लोगों ने, वो डायरेक्शन जो है वो ऑब्जर्वर की एक्सटेंशन है। कॉन्ट्रेक्शन है, रीजन क्या है कि जब आपकी डिमांड राइटवर्ड मूव करेंगी एक्स एक्सिस की तरफ, सो प्राइस फॉल कर रही होगी उस वक्त,
जब प्राइस फॉल कर रही होगी तो डिमांड बढ़ रही होगी ना। इसी तरह अगर आप टेबल पर देखें ऊपर इस पोर्शन में भी, तो आपको नजर आएगा कि प्राइस के राइज एंड फॉल से डिमांड राइज एंड फॉल है। तो इसलिए इसके लिए जो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होती है दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज चेंज इन डिमांड ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। अदरवाइज तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे रेज किया है, शायद आपको आइडिया हो, उस रेजिंग के अंदर हमने देखा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा भी हैं। हैव यू राइट? सो वो जो हमने रेज किए हैं फैक्टर्स, ऑल दोज नोन एज नॉन प्राइस फैक्टर्स। सो हेयर यू कैन सी वन के प्राइस फैक्टर। सो प्राइस फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो क्वांटिटी डिमांड को अगर चेंज कर दें, प्राइस मीन अगर मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो एक्सपेंसिव हो रही है तो आप उसको कम परचेज करते हो, अगर वो उसकी प्राइस फॉल हो रही है तो आप एनकरेज होकर ज्यादा परचेज करते हो। सो इट इज व्हाट इन फैक्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो माइंड में रखना है एक्सटेंशन अपनी प्राइस की रीजन की बेसिस पे होती है व्हाइल अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, और जो फॉल है आपका वो अपनी प्राइस की वजह से फॉल इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड है। ओके, सो इट इज व्हाट इन फैक्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। यहां से फिर हम थोड़ा सा मूव करते हैं एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन के बाद, इसकी बात करते हैं राइज एंड फॉल। तो राइट एंड प्लीज, राइज एंड फॉल। अब राइज एंड फॉल में हम लिखेंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स। फाइन, अच्छा उसमें जो स्ट्रे कीजिएगा एंड वांट टू शेयर विद यू समथिंग, उसमें आपका आइडिया शायद है ये ऑनलाइन क्लासेस का। तो बेटा ये जो क्लास हुआ करेगी ये 10:30 से स्टार्ट होती है यूजुअली, 10:30 to 11:20-25 राइट ये चूंकि मेरे टाइम स्लॉट का इशू था थोड़ा सा, और बाकी आपको शायद उन्होंने बताई होंगी, अपडेट किया हुआ कि जो मेकअप क्लासेस की हैं वो इवनिंग में होंगी।